दूसरा, जब हम बिचरा को, जब 25-30 दिन का बिचरा तैयार हो जाएगा, तो बिचरा को जब हम नर्सरी से निकालेंगे, तो नर्सरी से निकालने के बाद बिचरा का उपचार करेंगे। बिचरा का उपचार भी हम लोग स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से कर सकते हैं, अगर हम बैक्टीरियल विल्ट के अगेंस्ट में करना चाहते हैं तो, या तो ट्राइकोडर्मा, जो कि हम बताएं, ट्राइकोडर्मा जो है सो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको 15 से 20 मिनट तक पौधे को पानी में रख करके तब हम उपचारित बिचरा को जो है सो फील्ड में ले जाएंगे। फिर आगे हम देखेंगे, अगर संभव हो तो खेत जब हम तैयार करते हैं, तो खेत के तैयार करने के समय जो है सो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का अगर उपयोग करें खेत में, तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग करने से भी हमारा बैक्टीरियल विल्ट की समस्या जो है सो कम हो सकती है, हम उससे बच सकते हैं। और अगर संभव हो तो नीम की खल्ली या करंज की खल्ली जो है सो 3 या 4 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर खेत में जुताई के समय डालें, तो हम इस सब समस्या से समाधान पा सकते हैं। और जो नर्सरी में डंपिंग ऑफ जो होता है, जो आर्द्र गलन होता है, उसके विषय में बताया। इसके अलावा और कई बीमारी लगते हैं जो कि आगे जा कर के बरसात के समय में या विंटर में भी आप देखेंगे, जाड़े के समय में भी जो टमाटर खेत में लगा रहते हैं तो और कई बीमारी उसमें लगते हैं, जैसे कि उसमें अर्ली ब्लाइट हम लोग बोलते हैं, अगेती झुलसा रोग बोलते हैं। अगेती झुलसा रोग में आप देखेंगे कि पत्ते पर जो है सो गोल गोल स्वकेंद्रीय धब्बे बनते हैं, और ये छोटे छोटे धब्बे शुरू में बनते हैं, बाद में ये धब्बे सब मिल करके पूरे पत्ते को जला देते हैं, जिससे हम उसको झुलसा रोग करते हैं, और पत्ते जल करके पूरे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और पौधे को नुकसान पहुंचता है और हमारा टमाटर का उपज कम होता है। टमाटर का जब आप पौधे जब खेती करेंगे तो डायरेक्ट आप खेत में अगर लगाएंगे तो आपको उतना हेल्दी पौधा नहीं तैयार होगा, इसीलिए। और जैसे खेत में लगाते समय आपको बहुत बड़ा एरिया में लगाना है, तो आप ज़्यादा एरिया में लगाएंगे तो अलग अलग पौधे लगाएंगे तो सबको मेंटेन करना बहुत दिक्कत होगा, और जिससे कि हेल्दी पौधा नहीं तैयार हो सकता है। उस छोटा जब पौधा रहेगा तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बहुत सारा बीमारी आने का समस्या रहता है, जैसे डंपिंग ऑफ, या अगर पानी अधिक पानी लग गया तो डंपिंग ऑफ जो है पीथियम, राइजोक्टोनिया और कई तरह के फफूंद के कारण बीमारी आता है, और हेल्दी पौधा नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो भी सोलनेसियस वेजिटेबल जैसे टमाटर, बैंगन या मिर्चा कोई भी पौधा लगाते हैं, तो हम लोग उसको पहले नर्सरी में तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि सीडलिंग को हम अच्छी तरह से हेल्दी सीडलिंग को निकाल सके, ताकि आगे जा करके हमको अधिक से अधिक उपज मिलेगा। इसलिए सबसे पहले नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी में पौधा जब तैयार हो जाएगा तो 20-25 दिन के बाद आप उसको फील्ड में लगा सकते हैं।